The distance x covered by a particle in one dimensional motion varies with time as x square equals to at square plus 2bt plus c. If the acceleration of the particle depends on x as x power minus n, where n is the integer, then find the value of n. तो हमें acceleration को x के form में निकालना है. Let's start at square plus 2bt plus c. इसको differentiate करेंगे with respect to time, क्योंकि दो बार तो करना ही पड़ता है acceleration तक पहुँचते में. So करेंगे तो 2x आएगा और x का आ जाएगा dx by dt. फिर इसका करेंगे तो 2at आएगा, इसका 2b आएगा, ये जीरो हो जाएगा. हमको पता है ये चीज़ वेलोसिटी, सो वी गेट 2xv इज इक्वल्स टू 280 प्लस 2b, 2 कैंसिल, वी गेट xv इज इक्वल्स टू 80 प्लस b, एंड फाइनली वी गेट वी एस 80 प्लस b बाई x. v जो चाहिए क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करने पर यही हमें एक्सेलरेशन दे देगा. सो dv बाई dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन रूल लगाएं, x d बाई dt ऑफ 80 प्लस b माइनस 80 प्लस बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स. दिस बिकम्स एक्सेलरेशन. आई एम टेकिंग एफ बिकॉज ए ऑलरेडी कॉन्स्टेंट के ऊपर दे रखा है. इसका हो जाएगा ए माइनस इसका हो जाएगा 80 प्लस बी इंटू वी. सो वी हैव गॉट दिस एक्सेलरेशन क्वांटिटी. नाउ वी नो दैट वी इज दिस, सो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन. ओके, हमें v हटाना है, हमें x का ही टर्म चाहिए, ठीक है ना. माइनस 80 प्लस बी इंटू 80 प्लस बी डिवाइड बाय, अच्छा मैंने ठीक से वो नहीं किया क्वेश्चन रूल, एक चीज़ रह गई इसमें, डिवाइड बाय x स्क्वायर. हाँ अब ठीक है. सो वी हैव इंटू 1 बाय x स्क्वायर ओवरऑल में. अब ठीक है, नाउ वी कैन कंटिन्यू. ए एक्स माइनस 80 प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने और वी गेट अ एक्स क्यूब. ओके, सो दिस इज फाइनल. अभी हमारा आ गया अगले पेज पर, हम देखते हैं क्या करना है. यहाँ भी करेक्ट कर लें क्योंकि वो क्वेश्चन रूल में नीचे डिवाइड बाय स्क्वायर होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं पहले से लिख लेता हूँ लास्ट स्टेटमेंट क्या था. एफ इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 80 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. चलिए ये आ गया. अब हम एक्स स्क्वायर की जगह ये रख सकते हैं ए 80 स्क्वायर प्लस 2 बी टी प्लस सी माइनस 80 प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. सो वी गेट ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ए बी टी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी टी. ये कैंसिल, ए स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ए सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब. सो एफ आ गया ए सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब. ये सारा कांस्टेंट है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर माइनस 3. सो एन की वैल्यू क्या आई, माइनस 3. तो इसमें आपको कुछ नहीं, कैलकुलस में स्ट्रांग होना चाहिए तो आप आसानी से कर सकते हैं.